यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइस आर डूइंग परफेक्टली वेल, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या REMC या JNV या CHS, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ की आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल, REMC, इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही है, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज, क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोज आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है, नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूँगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूँगा, सीखूँगा, नई चीज़ें सीखूँगा, जो भी परेशानियाँ आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूँगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं, मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, सब लोग ठीक हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और प्रिपरेशन आप लोग अपनी बढ़िया कर रहे हो, ओके। टेस्ट वगैरह भी आप लोग कर रहे होंगे एंड आई एम श्योर आप लोग अगर जो प्रैक्टिस कर रहा होगा, जो रिवीजन कर रहा होगा, तो उसके टेस्ट जो भी आ रहे हैं उसमें क्वेश्चंस वो इजिली हो रहे होंगे, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस आप जितने करोगे चीजें आपको उतने क्लियरली, उतने कंफर्टेबल क्लियर होती जाएंगे, ठीक है। चलो, हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, हमने इसमें जो बेसिक आपके टर्म्स थे, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, वो सारा हमने समझ लिया था। एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करवा लेता हूँ। कॉस्ट प्राइस क्या होगा, जिस प्राइस पे हमने कोई चीज बाय करी है, कोई चीज खरीदी है, वो कॉस्ट प्राइस है। जिस पे हमने कोई चीज बेची है वो सेलिंग प्राइस है। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तो हमें प्रॉफिट होगा, जब हमने कम में खरीदा और ज्यादा में बेचा तो हमें लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। जब हमने जो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा तो हमें लॉस होगा। हमने कोई चीज कम में खरीदी, ठीक है, या हमने कोई चीज खरीदी और उसे हमने कम में बेचा, हमने ज्यादा में खरीदी थी और कम में बेचा, तो हमें वहां क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होगी। फिर हमने इसमें फॉर्मूला पढ़ा था, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर लो। लॉस कैसे निकालोगे, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस आपने क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। ये चीज आपको समझ में आई होगी। फिर हमने प्रॉफिट परसेंट पढ़ा, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू में 100, SP माइनस CP डिवाइड अपॉन CP इंटू 100। लॉस परसेंट कैसे निकालोगे, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, CP माइनस SP अपॉन कॉस्ट प्राइस जो कि CP है इंटू 100, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने इसमें क्वेश्चन वगैरह करे थे छोटे मोटे। फिर हमने दो अलग अलग कंडीशंस हमने पढ़ी थी कि जब भी हमें प्रॉफिट परसेंट दिया हो क्वेश्चन में एंड कॉस्ट प्राइस दिया हो क्वेश्चन में, हमें SP निकालने को बोला जाएगा, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, SP इज इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। जब भी हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट दिया होगा, ठीक है, और SP हमें दिया होगा, हमें बोला जाएगा कॉस्ट प्राइस निकालो, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस CP इज इक्वल टू SP इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये चीज आपको समझ में आई होगी। सेम चीज हमने यहाँ पे फिर लॉस परसेंट वाले केस में करी थी, तो लॉस वाले में यहाँ पे माइनस माइनस आ जाता है, ठीक है, समझे बात को।
ओके सर, फिर हमने इसमें एक दो छोटे मोटे क्वेश्चन करे थे एंड आई एम श्योर आपको ये क्वेश्चन समझ भी आए होंगे। यहाँ तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है तो बताओ, अदरवाइज फिर हम अब आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, मजे से चीज को करते रहो, रिविजन बार बार करते रहो। ठीक है, जो चीज आपको टफ लगती है उसे उतना और अच्छे से किया करो, है ना। कोई चीज अगर टफ लग रही है तो आपको उसे और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बार बार आपको उसे करना है, तो इजिली वो फिर आपका हो जाएगा। ठीक है, चले आगे बताओ भाई, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले, नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले आगे। ठीक है भाई, सब लोग रेडी हो और बढ़िया से आप लोग अपनी प्रिपरेशन भाई करते रहो। ठीक है, अच्छे से करेंगे, बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पे कर रहे वाले हैं, समझे बात को। चलो आगे, ओके। ठीक है, तो थोड़ी इश्यू है, थोड़ा इश्यू है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ी बस कॉन्सेंट्रेट करना इस पे। ठीक है, ओके। लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ी प्रॉब्लम है, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, पता तुम लोगों को, बहुत 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 खतरनाक आंधी तूफान चल रहा है बाहर। तुम लोग बोल रहे होंगे कि सर हमें तो बहुत गर्मी लग रही है ना, लेकिन मैं जिस लोकेशन में हूँ ना, यहाँ बारिश हो रही है बहुत तेज। ठीक है, यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। चलो भाई, नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि रवि परचेज्ड। ठीक है, रवि क्वेश्चन नोट करो और नोट करने के साथ साथ तुरंत उसको करना स्टार्ट कर लो, स्पीड भी बढ़ाते हुए आप लोगों को चलना है कि रवि परचेज्ड अ चेयर। रवि एक चेयर को परचेज करता है, ठीक है, एट रुपीज फाइव हंड्रेड एंड सोल्ड, बेचता है उसको। sold at rupees 500, ठीक है, ऐसा कैसे हो गया? 550, what was, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, what was his gain or loss percent, उसका गेन और लॉस परसेंट क्या है? अगर गेन हो रहा है तो गेन परसेंट निकालो, लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट निकालो, और बढ़िया से क्वेश्चन को करो। चलो स्टार्ट करो, तुरंत आपका आंसर आना चाहिए कि रवि परचेज्ड अ चेयर एट रुपीज 500 एंड सोल्ड एट रुपीज 550, व्हाट वाज हिज गेन और लॉस परसेंट, निकालो। ये तो है ना, आपके पास वैल्यू सारी आपके पास है, आपको बस उसका जो वैल्यूज है उनको उनको कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह सब कुछ आपको क्लियर है कि कैसे कैसे होना है। ठीक है, आपको पता है कि सर यहाँ पे क्या दे रखा है, परचेज लिखा है। ठीक है, इट मीन्स ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ पे, 500 है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको दे रखा सोल्ड कर रहा है, मतलब बेच रहा है, तो ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, कितना है, 550 है। आपको सीधे सीधे क्लियर हो गया कि सर वो जब ज्यादा में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस हमारा ज्यादा है, तो जब भी सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम है, तो हम क्या करेंगे, समझ जाएंगे कि वहां पे प्रॉफिट होना है। ओके, तो सीधे हम यहाँ पे प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि देखो हमें सीधे बोला कि या तो प्रॉफिट परसेंट निकालो या तो गेन परसेंट निकालो, गेन और प्रॉफिट एक ही चीज है। ओके, हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ से प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा लेंगे, जो कि आपको अच्छे से क्लियर होगा। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट SP माइनस CP डिवाइडेड बाई CP इनटू 100। ठीक है, आप इस वैल्यू को यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं तो पूरा फॉर्मूला समझा रहा हूँ। एसपी कितना है, 550 है, माइनस सीपी कितना है, 500 है, डिवाइड बाय सीपी कितना है, 500 है, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू 550 माइनस 500 करोगे आपको 50 मिलेगा, 500 अपॉन में था इंटू में 100 था, देख लो सिंपल है, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल, एंड 5 10 जा कितना हो गया, 50 हो गया, तो 10% आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 10% यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, सबके आंसर आगे, ओके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि हमने इतनी प्रैक्टिस आपने इस पे कर ली है, अब आप समझ गए कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंट का क्या है। सीधे देख लो, आपको इतना पता करना है कि सर प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, माइंड में कर लो, 500 सीपी है, 550 एसपी है, 550 माइनस आपने 500 करा, आपको मिला 50, आपको पता अपॉन में सीपी आता है, तो 500 लिख लो, परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं तो इनटू में 100, ये कैंसिल, सीधे आपका आंसर आ गया 5 10 50। क्लियर है, क्लियर है सबको, निकलो आगे बताओ, सबको समझ आ गया। तो हम फिर आगे निकल रहे हैं, आगे के अब हम क्वेश्चन करते हैं भाई। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने चीजों को समझते हुए चल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ठीक है, थोड़ी स्पीड भी बढ़ाओ, ठीक है, क्योंकि अब तो आपने इतने क्लासेस कर ली। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, अमेन परचेज, एक आदमी है अमेन,
चलो क्वेश्चन नोट कर लो। अ मैन परचेज, परचेज मतलब खरीद रहा है, एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, थोड़ा नया कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। ओल्ड बाईसाइकिल एंड ओल्ड बाईसाइकिल, एक पुरानी बाईसाइकिल खरीदता है, कितने में खरीदता है? फोर रुपीज 450, 450 रुपए में खरीदता है। एंड स्पेंड और इस पे खर्च करता है, एंड स्पेंड मतलब खर्च करता है रुपीज, एंड स्पेंड रुपीज 50 ऑन इट्स मेंटेनेंस, जो उसके रख रखाव में आता है, ठीक है, मेंटेनेंस। समझे बात को? ठीक है, फुल स्टॉप। इफ ही सोल्ड इट, अब वो फिर उसे बेचने लग गया। इफ ही सोल्ड इट फॉर रुपीज 600, then find profit और लॉस परसेंट। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट निकालना है। ठीक है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट, लॉस है तो लॉस परसेंट। चलो भाई निकालो 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 निकालो। नहीं वाह सिद्धार्थ, थोड़ी स्पीड बढ़ाते चलो। एंड आप करते क्या सिद्धार्थ, ना तो आपका आंसर आता है ना आप नोट करते हो, दोनों में से एक चीज तो होनी चाहिए ना। या तो ऐसा कि भाई आप सर मैंने नोट नहीं करा, मैं अपना अलग से कैलकुलेशन कर रहा था, तो ना तो आपके आंसर आते ना तो आप नोट्स नोट करते हो, तो करते क्या हो आप, सिर्फ सुनते हो क्या, सिर्फ सुनते हो क्या? लोगों के दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर आ गया, शरण्या का इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर आ गया, और कुछ है कि उन्होंने कि सर ये मेरा नोट नहीं हुआ। तो तुम लोग कितने पीछे हो, तुम लोगों का यहीं पे अपना कंपटीशन देख लो, यहीं पे अपने साथ वालों के साथ अपना कंपटीशन देख लो, तुम लोग कितने पीछे हो। और ऐसे न जाने इंडिया में कितने लोग, कितने बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो समझ जाओ तुम लोग कितने पीछे हो, कितने पीछे हो तुम लोग उनसे। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, है ना, ये चीज भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि सर हम कितने पीछे हैं। तो हमें सीखना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दबा के, है ना। नहीं तो जैसे आप आज हो कल भी वैसे रहोगे, परसों भी वैसे रहोगे। देखो मुझे यार है ना, ऐसा बार बार बोलने में कोई मजा नहीं आता है, है ना, लेकिन एज अ टीचर इट्स माई ड्यूटी, ये मेरी ड्यूटी है कि आपको बार बार इस चीज से अवेयर करूं कि भाई तुम जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तुम लोग जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, उसमें आपको ये हैबिट अपनी बनानी पड़ेगी कि सर हमें कम टाइम में क्वेश्चन को समझना भी है, उसका आंसर भी करना है, तुरंत तुरंत आपके सामने आंसर आने चाहिए, आपके माइंड में तुरंत तुरंत क्या आना चाहिए, आंसर आने चाहिए, तब जाके कुछ बात बनेगी भाई। समझे मेरी बात को? तो इन चीजों का ध्यान रखोगे तो इनका ध्यान कौन रखेगा, आप ही तो रखोगे, आप ही तो इनकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। कुछ लोग आराम से आ रहे हैं, मस्त अपनी चाल में आ रहे हैं, है ना, क्लास हुए 15-20 मिनट होने वाले हैं, कुछ लोग अपना आराम से आ रहे हैं कि हम तो बिल्कुल आराम से आएंगे। मैंने आपको बोला है जब भी क्लास का जो टाइमिंग रहता है उससे आपको 10 मिनट पहले अपनी सीट पे होना चाहिए, तब तक आपको अपनी प्रॉपर नोटबुक खोल के रिवाइज करना है कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। लेकिन नहीं, आप लोग तो अलग ही चल रहे हो। ये क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, मैं देखो मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करता हूं, लेकिन आप लोग भी थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ ना। अगर आप इसी हैबिट में रहोगे अपनी, एग्जाम में कैसे चलोगे, एग्जाम कैसे निकालोगे, मुझे सिर्फ इस बात का मतलब बताओ। अभी आप लोग क्लास में देख लो, आप लोग कितने पीछे हो, यहाँ पे 2-4 बच्चे जितने भी हैं, है ना, आगे कंपटीशन में जाओगे वहां तो लाखों बच्चे आएंगे, फिर कैसे करोगे, दिक्कत होगी ना। तो इन चीजों का ध्यान रखो भाई। चलो देखो क्वेश्चन क्या है आपके सामने, अमेंज परचेज, एक मैं यहाँ पे मैं आपको एक नई चीज बताने वाला था, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, पहले क्वेश्चन को मैं आपको समझा लेता हूँ, थोड़ी अपनी पेन साइड में रख लो, नोटबुक को थोड़ी देर के लिए साइड में रख लो, मेरी बात को सुन लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, बिल्कुल फोकस होकर के मेरी बात को सुन लो। मैं यहाँ पे आपसे ये बोलना चाह रहा हूं, एक आदमी ने एक परचेज करा ओल्ड बाईसाइकिल, एक पुरानी उसने साइकिल खरीदी 450 रुपए में, ध्यान से देखना, ठीक है, 450 रुपए में खरीदी, एंड स्पेंड रुपीज 50 ऑन इट्स मेंटेनेंस। उसने क्या करा, उसने 450 रुपए की एक साइकिल खरीदी, उस पर कुछ खराबी रही होगी, कुछ उसने उसे मेंटेनेंस करा, उसका थोड़ी रख रखाव करा अच्छे से, तो उसने 50 रुपए और खर्च करे,
समझ रहे हो बात को। उसने 450 रुपए की खरीदी और 50 रुपए उसने वहां पे क्या कर दिए, उसके मेंटेनेंस पे लगा लिए। ओके, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपको क्वेश्चन में क्या लिखा होगा मेंटेनेंस लिखा होगा, जब भी आपको क्वेश्चन में क्या लिखा होगा मेंटेनेंस वाला कॉस्ट लिखा होगा, या क्या लिखा होगा रिपेयर वाला कॉस्ट लिखा होगा, ठीक है, रिपेयर वाला कॉस्ट लिखा होगा, या क्या लिखा होगा ट्रांसपोर्ट वाला कॉस्ट लिखा होगा, ठीक है। जब भी आपको ये कॉस्ट लिखे होंगे, ये रुपीज लिखे होंगे, आपने इसको हमेशा क्या कर देना है ऐड कर देना है, ठीक है, ऐड टू कॉस्ट प्राइस, हमने इसको हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ऐड कर लेना है। अब ये कॉमन सेंस लगाओ, मैं आपको आपकी लैंग्वेज में बताता हूँ, डेली लाइफ में बताता हूँ। आप लोग मार्केट जाते हो या कोई आपके घर में जाता है, फैमिली वाले मार्केट जाते हैं, मान लो आप लोग ने एक फ्रिज लिया, ठीक है, आपने क्या ले लिया, एक फ्रिज ले लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब वो फ्रिज मान लो आपका 12,000 का आया, फ्रिज आया आपका कितना 12,000 का, ठीक है। लेकिन जब आप उसे अपने घर लाओगे, ठीक है, दुकान से आप उसे अपने घर में लाए, तो यहाँ से यहाँ लाने का जो जो आपने गाड़ी करी होगी, जो 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 भी किया होगा, गाड़ी वगैरह टेम्पो वगैरह, ठीक है, उसका जो रेंट लगेगा, जो किराया लगेगा उसका, जो उसका खर्च लगेगा, वो मान लो 1,000 रुपये लग गया, ठीक है। अब कोई आपसे पूछता है कि यार आपने फ्रिज कितने का लिया, आप क्या बोलते हो कि यार 12,000 का लिया, 1,000 रुपये वहां पे भाड़ा लगा, तो ये फ्रिज हमें टोटल 13,000 का पड़ा भाई, ऐसा बोलते हो नहीं बोलते हो, बताओ, ऐसा बोलते हो ना कि यार ये हमें कितने का पड़ गया, ये हमें 13,000 का पड़ा, क्योंकि जो हमने वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट का था, ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसको पहुंचाना, रिपेयर मतलब कोई चीज खराब थी उसे हमने सही कर दिया, मेंटेनेंस मतलब उसका रख रखाव करा, तो जो भी ये सारे कॉस्ट होंगे इनको हम हमेशा ऐड करते हैं किसमें, कॉस्ट प्राइस में ऐड करते हैं। समझ गए मेरी बात को, बस यहाँ पे आपको ये एक चीज थोड़ी अपने ध्यान में रखनी थी भाई, समझ गए, ये चीज आपको अपने ध्यान में रखनी थी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है। चलो, तो ये चीज मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा था, होप आपको ये चीज क्लियर अच्छे से हो गई होगी। तो यहाँ पे भी हमने वही करना था, देखो जो बाईसाइकिल का जो उसने खरीदा 450 में खरीदा, तो जो इसका कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या होगा 450 होगा, लेकिन 50 रुपए उसने क्या कर दिए, उसके मेंटेनेंस पे लगा लिए, तो वो भी मैं कॉस्ट प्राइस में ऐड करूंगा, तो जो हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस बनेगा वो बनेगा हमारा कितना 500। ये चीज आपको एक नई चीज समझनी थी। फिर क्या बोला इसमें आपको, एसपी सेलिंग प्राइस कितना है, फिर उसने क्या करा, इफ ही सोल्ड इट, उसने उसे बेचा 600 रुपए में, एसपी कितना है 600 ज्यादा है, एसपी ज्यादा है, सीपी कम है, तो हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं अब यहाँ सीधे प्रॉफिट परसेंट निकाल लूंगा, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला सबको पता है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ बार बार, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो प्रॉफिट परसेंट का देख लो, एसपी कितना है 600 है, सीपी कितना है 500 है, डिवाइड बाई सीपी कितना है 500 है इंटू में 100, ठीक है। इसे आपने अगर सॉल्व करा तो 600 - 500 करोगे आपको मिलेगा 100 अपॉन 500 इंटू में ये क्या है यहाँ पे 100 है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल 5 से आपने इसे यहाँ पे डिवाइड करे 5 - 10 = 0, तो आपका आंसर कितना आएगा 20% वहां पे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे होना था, ठीक है भाई, ऐसे होना था कि सर वहाँ पे 20% क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, क्लियर है सब लोगों को, ऐसे करना था, नोट कर लो इसको। यहाँ पे नई चीज ये है, यहाँ पे जो नई चीज आपको समझनी है वो ये समझनी है आपको यहाँ पे नई चीज कि सर जो मेंटेनेंस कॉस्ट होगी, जो रिपेयर कॉस्ट होगी, जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट होगी, ठीक है, उसे हमेशा हमने ऐड करना है किसमें, कॉस्ट प्राइस में, ठीक है। We have to add maintenance cost, repair cost और transport cost to the cost price. चलो, हो गया तो फिर हम आगे निकल रहे हैं, अगर हो गया तो हम आगे निकल रहे हैं। ठीक है, चले आगे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ भाई, यहां तक आप लोगों को अगर कुछ भी दिक्कत लग रही है, कुछ भी अगर आपको यहां तक परेशानी लग रही है तो आप लोग बेझिझक होकर के बता सकते हो, बिंदास होकर के बताओ, ठीक है, बिंदास होकर के आप लोग यहाँ पे बता सकते हो कि सर हमें यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है, इसका सॉल्यूशन बताओ।
चले आगे चले। अरे भाग चले भाई आगे चले। यहाँ तक अगर आप लोगों को क्लियर हो गया हम फिर आगे चल रहे हैं। ठीक है निकले आगे चले आगे। अगर सब आपके अंडर कंट्रोल है, सब अगर आपके अंडर कंट्रोल में है तो फिर आगे निकलने का ट्राई करते हैं। ठीक है चलो ओके 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 देख लो। चलो नेक्स्ट देख लो। समझ आ रहा है ना कैसे करना है क्वेश्चन? आपको कैलकुलेशन जितनी आपकी मजबूत होगी उतने आपसे क्वेश्चन इजीली हो रहे होंगे। ठीक है चलो लिख लो। कॉस्ट ऑफ अ पैक ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पैक ऑफ 15 बॉल्स पैक ऑफ 15 बॉल्स इज रुपीज 300। ठीक है एंड एंड अ पैक ऑफ 12 12 शटल कॉक्स 12 शटल कॉक इज रुपीज 96। शटल कॉक मतलब जो बैडमिंटन वाली कॉक होती है ना जिसे आप खेलते हो जो चिड़िया वगैरह रहती है वो। ठीक है इफ राहुल बॉच वन बॉल एंड राहुल बॉच वन बॉल एंड वन शटल कॉक वन बॉल एंड वन शटल कॉक देन हाउ मच वुड ही पे टू शॉपकीपर। बताओ क्या होगा आंसर? कॉस्ट ऑफ ए पैक ऑफ 15 बॉल इज रुपीज 300 एंड ए पैक ऑफ 12 शटल कॉक इज रुपीज 96। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को बिल्कुल केयरफुली समझेंगे कि क्या है। ठीक है 15 बॉल का एक पैक है 15 बॉल का एक पैक है वो 300 रुपये में मिलता है एंड 12 कॉक का जो प्राइस है वो 96 रुपये है। राहुल ने क्या करा एक उसने बॉल खरीदी और एक उसने क्या करा शटल कॉक खरीदा देन हाउ मच वुड ही पे टू शॉपकीपर। तो उसको शॉपकीपर को कितना प्राइस देना है उसने शॉपकीपर को कितना प्राइस देना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है संध्या का तो आ ही जाता है आंसर है ना। ऐसे ही भाई अच्छे से मेहनत कर दे रहे हो संध्या। ठीक है ऐसी प्रैक्टिस करोगे तो बेहतरीन तरीके से डेफिनेटली आपका एग्जाम निकलेगा। ठीक है अभी से ऐसे ही दबा के प्रैक्टिस करते रहो। बढ़िया गुड। इसमें आपको क्या दे रखा है कॉस्ट ऑफ ए पैक ऑफ 15 बॉल सिंपल आपको दे रखा है। मैं आपको पूरा समझा देता हूं कि क्या लिखा है कॉस्ट ऑफ पैक ऑफ 15 बॉल मतलब 15 बॉल का जो प्राइस है 15 बॉल्स का जो प्राइस है वो कितना है वो 300 रुपीज है। वो कितना है वो 300 रुपीज है। एक बात ये हो गई तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से हमने निकाल लेना है कॉस्ट ऑफ वन बॉल
वन बॉल का प्राइस कितना निकलेगा? वन बॉल का प्राइस निकलेगा 300 / 15, कितना हो जाएगा? 15 × 30 = 10। अगर आप कॉमन सेंस से करोगे, मतलब डायरेक्ट जितनी आपने प्रैक्टिस करी होगी, प्रैक्टिस के बाद आप इस क्वेश्चन को 30 सेकंड में कर लोगे, ठीक है, बिल्कुल 30 सेकंड में आप इसको कर लोगे, समझ रहे हो बात को। चलो माधव का भी आ गया आंसर, वेरी गुड। ये हमें यहाँ से मिल गया कि यहाँ से हमें 20 मिल गया। फिर हमने जाना किस पे? शटल कॉक पे। हमें दे रखा है कॉस्ट ऑफ 12 शटल कॉक। तो जो इसका प्राइस है वो कितना है? वो है प्राइस कितना? 96। हमने यहां से निकालना है कॉस्ट ऑफ वन शटल कॉक। तो सिंपल है, 12 का 96 है तो 1 का कितना होता है? 96/12। ये मिल जाएगा आपको कितना? 12 × 8 = 96, ये मिल जाएगा हमें 8। हमें बोला कि राहुल ने एक बॉल खरीदी और राहुल ने एक क्या खरीदा? एक शटल कॉक उसने खरीदी, तो उसको प्राइस कितना देना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है। राहुल ने कितना खरीदा? एक शटल कॉक और एक वो, तो हम सीधे क्या कर देंगे? देखो, एक बॉल का प्राइस 20, एक शटल कॉक का 8 है, तो हम सीधे क्या कर लेंगे? 20 + 8 कर लेंगे। 20 + 8 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। और यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बताओ, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तो कोई परेशानी किसी को? तो बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ भाई। बोलो, यहाँ तक आपको किसी चीज में समस्या आई तो बताओ। अब यह आपको खुद से समझना पड़ेगा ना, इसके आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके आप जितनी प्रैक्टिस करोगे कि हाँ भाई इस क्वेश्चन में हमने ऐसा करना था, एक बार आप चीजों को समझिए, एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ गया, उसके बाद तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ना। अच्छे से आप अपने आप नहीं करोगे तो आपको ही दिक्कत आएगी। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, समझ आ रही चीज है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन है आपके सामने, राहुल परचेज कर रहा है अब बाईस साइकिल फॉर रुपीज 1500 एंड सोल्ड 4 रुपीज 1200 1200 में इसको क्या कर रहा है? वो सोल्ड कर रहा है। आपको बोला फाइंड लॉस और प्रॉफिट परसेंट, बताओ क्या होगा? लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट निकालना है, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट निकालना है, एंड अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। बताओ क्या होगा? बताओ, आया किसी का आंसर?
आ गया आंसर इस बार, सिद्धार्थ का भी आ गया आंसर बड़े सालों बाद। सही है आंसर, सही है, ठीक है, गुड। प्रैक्टिस करोगे, जितने प्रैक्टिस करोगे तो उतनी आपको चीजें क्लियर होती रहेंगी, है ना। आंसर अलग अलग आ गए सबके। अरे आंसर अलग क्यों आ रहे हैं, इतना इजी क्वेश्चन है। राज परचेज, परचेज लिखा है तो कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 4 रुपीज 1500, 1500 है, ठीक है। फिर बोला कि ही सोल्ड, वो इसे सोल्ड करने जा रहा है कितने में, 1200 में, तो सोल्ड कितना है, 1200 रुपीज है। आपको बोला फाइन लॉस और प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, फाइन लॉस और प्रॉफिट परसेंट। आपको बोला लॉस परसेंट है कि प्रॉफिट परसेंट है। देखो सीपी ज्यादा है, जब भी सीपी ज्यादा होगा तो हमें लॉस होगा, हम लॉस परसेंट निकाल लेते हैं। लॉस परसेंट का फॉर्मूला आपको आपको पता है, लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस परसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हमने सीपी में से एसपी माइनस कर लेना है, एंड अपॉन में सीपी आएगा, एंड इंटू में क्या आएगा, इंटू में 100 आएगा, ठीक है। तो देख लो सीपी कितना है, सीपी एस आर 1500, एसपी कितना है, एसपी एस आर हमारा 1200, डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, सीपी है कितना, सीपी है कितना 1500, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, 1500 इंटू में ये क्या है, 100 है। इसे माइनस करोगे, 1500 माइनस 1200 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 300 मिल जाएगा। 300 अपॉन 1500 इंटू में क्या है, 100 है, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल हो गए, एंड 15 टू 30 20। तो आंसर आना था 20%, क्या होना था, 20%, 20% क्या होना था, 20% क्या होना था, अरे 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 अरे, अरे। मिट क्यों नहीं रहा यार, आज हैंग कर रहा है। अरे भाई अरे है, तो यहाँ पे 20% क्या होना था आपका, लॉस होना था, 20% क्या होना था, लॉस होना था। तो तुम कैलकुलेशन हर बारी गलत क्यों कर रहे हो सिद्धार्थ यार, जहां पे समझ नहीं आ रहा तो पूछ लो, समझ भी आपको आ रहा है तो कैलकुलेशन आपकी गलत क्यों हो रही है, कैलकुलेशन फिर गलत क्यों हो रही है। कैलकुलेशन फिर गलत क्यों हो रही है ये बताओ, गलत होने चाहिए थे कैलकुलेशन। बताओ कैलकुलेशन गलत कहाँ हो रही है, 20 आना था आंसर, सिंपल आंसर था 20, सिंपल आंसर क्या था, 20 था। हो गया क्लियर सबको, हो गया क्लियर, जहां समझ नहीं आ रहा तो पूछ लो ना कि सर मुझे यहाँ पे दिक्कत है, और सब अगर समझ आ रहा है, सब चीज अगर क्लियर है, सब चीज अगर आपकी क्लियर है तो फिर आंसर सही क्यों नहीं आ रहा, फिर तो आंसर सही आना चाहिए ना, हर बार सही आंसर आना चाहिए, ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। तो आंसर सही निकालने का ट्राई करो भाई। चलो चले आगे, निकले आगे, बताओ। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट बढ़िया सा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अब बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, इतना अगर छोटा क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो बड़े क्वेश्चन कैसे करोगे फिर। जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया, जो दो दो तीन तीन स्टेटमेंट के होंगे, दो दो तीन तीन स्टेप में होंगे, वो क्वेश्चन कैसे करोगे फिर। द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 750, 750 एंड इट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ, इट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। क्वेश्चन है फाइंड द सेलिंग प्राइस, फाइंड द सेलिंग प्राइस। अब देख रहे हो क्वेश्चन कहाँ से हमने इस क्वेश्चन को कनेक्ट कर लिया, क्वेश्चन को हमने कहाँ से कनेक्ट कर लिया, समझ रहे हो क्वेश्चन कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, क्वेश्चन कहाँ से कनेक्ट हो रहा है। कॉस्ट प्राइस दे रखा है 750 एंड
बोला है कि प्रॉफिट जो होता है जब हम इसे बेचते हैं तो 20% प्रॉफिट होता है। बोला गया कि सेलिंग प्राइस फाइंड करो। क्या बोला गया? सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। निकालो क्या आ रहा है फॉर्मूला, भी आपके पास है, कॉमन सेंस भी आपको करवा रखा है, इजिली कर लोगे, है ना, कॉमन सेंस भी करवा रखा है और उससे भी करवा रखा है, किससे, फॉर्मूले से। आज हिचकी आ रही है मुझे बहुत टाइम बाद। हमेशा की तरह सर अन्य का आंसर आ गया। देखो भैया, आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है आपको, वो कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, 750 दे रखा है। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है, 20% दे रखा है। बोला गया कि क्या निकालो, सेलिंग प्राइस निकालो। एक तो आपके पास सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है कि जब भी सीपी दिया हो और प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या बनता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सीपी इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला लिखवा रखा है, बहुत सिंपल। एसपी इज इक्वल टू सीपी कितना है, 750 है, इनटू में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है, 20 है, एंड डिवाइडेड बाय क्या है, 100 है। ओके, पहले इसको आप सॉल्व करोगे, एसपी इज इक्वल टू 7। ये मत करना कि 100 से 100 कैंसिल, क्योंकि ऊपर प्लस है, जब भी प्लस माइनस हो पहले सॉल्व करना है। 100 प्लस 20 करोगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ब्रैकेट का मतलब आपको पता है 100 होता है, सॉरी, ब्रैकेट का मतलब आपको पता है मल्टीप्लाई होता है। इस जीरो से आपने ये जीरो कैंसिल कर दी, ठीक है। आप इसे और रिड्यूस भी कर सकते हो अपने हिसाब से। सॉरी हाँ, मुझे बहुत हिचकी आ रही है तो इरिटेट मत होना बीच में, ठीक है, थोड़ी ऑकवर्ड लग रहा होगा आपको, अजीब सा लग रहा होगा। एसपी इज इक्वल टू 750 ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, और ये क्या हो जाएगा, 12/10 हो जाएगा, सिंपल है। ओके, देख लो, अब सब मल्टीप्लाई में आ गया, जीरो से आपका जीरो कैंसिल, वन तो कुछ भी अपॉन में तो वही नंबर है मिलता है, तो वन को मैं छोड़ सकता हूँ। एस पी इज इक्वल टू 12 × 75, ठीक है, आप पूरा अगर लिखना है तो लिख लेता हूँ, 75 × 12, आपको पता है 12 का टेबल, सबको पता है 12 × 5 = 60 का जीरो कैरी 6, 12 × 7 = 84, 84 और 6 से कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो 900 आपको यहाँ से मिल गया क्या, सेलिंग प्राइस। ओहो, 900 आपको मिल गया क्या, सेलिंग प्राइस, बताओ, वेरी गुड। अन्य का सही था, माधव का सही था, बाकी लोगों को मैं देख नहीं पा रहा हूँ, है ना। सार्थक आंसर क्यों नहीं देते हो भाई, कभी दे रहे हो कभी नहीं दे रहे हो। सिद्धार्थ अभिनव, क्या दिक्कत है तुम लोगों की, क्या दिक्कत है तुम लोगों की, ऐसा क्यों, चलो ये होना था। अब जिसने प्रैक्टिस कर ली बार बार, वो जाएगा क्वेश्चन पे, वो देखेगा कि सर कॉस्ट प्राइस मुझे दे रखा है 750, सीधे बोलेगा क्या कि सर हम तो करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, फॉर्मूला छोड़ दो, ठीक है, हमने एक बार ही पढ़ लिया, हमें पता है क्या हो रहा है, हम डायरेक्ट कर लेंगे। कॉस्ट प्राइस मुझे यहाँ पे दे रखा है कितना, 750 दे रखा है, ठीक है, एंड इट इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, प्रॉफिट परसेंट जो मुझे दे रखा है 20% दे रखा है, हमें एसपी फाइंड करना है। आपको मैंने बोल रखा है जब भी प्रॉफिट होगा तो हमें परसेंट को 100 पर प्लस कर लेना है, तो मैं क्या कर लूंगा, 100% है प्लस प्रॉफिट पर कितना है, 20% है, इसको प्लस करूंगा 120 आ जाएगा। हमेशा हमें क्या करना है, जो भी परसेंट हमें, चाहे लॉस में हम माइनस कर रहे हैं, प्रॉफिट में हम प्लस कर रहे हैं, जो परसेंट आएगा हमें क्या कर लेना है, सीपी का निकाल लेना है। तो मैं क्या करूंगा, सीपी का अगर मैं 120% निकालूं, अगर मैं सीपी का क्या निकालूं, 120% निकालूं, तो वो हमें एसपी के इक्वल मिलेगा, ठीक है, हमेशा हमेशा।
यहाँ सॉल्व कर लो, सीपी इंटू परसेंटेज हटा दो यहाँ से, अपॉन में 100 आ जाएगा, इज इक्वल टू आपको यहाँ से एसपी मिल जाएगा। और चलो सीपी की वैल्यू तो हमें यहाँ पता है 750 है, ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, यही तो आपके पास यहाँ पे एक्सप्रेशन बन गया, इक्वेशन यही तो बन गई। इसे सॉल्व करोगे 900 आपके पास आ रहा है, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी हो गई, 900 हो गई। ठीक है भाई, आज पता नहीं तुम लोग ही मुझे याद कर रहे हो कि कौन मुझे इतना याद कर रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा हिचकी आ रही है, बहुत ही ज्यादा। चलो ऐसे करना था, ऐसा भी बता दिया, ऐसा भी बता दिया, एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट आंसर आना चाहिए भाई, तुरंत तुरंत जितनी जल्दी आंसर आ सके उतनी जल्दी आना चाहिए, ठीक है, तब जाके आपके सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे भाई, तब जाके सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। हो गया, चले चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल परचेज अ टीवी फोर रुपीज 25,000 और रुपीज 8,500 है, और 8,500 एंड सोल्ड इट एट 25% लॉस। What is selling price of TV? What is selling price of TV? बताओ क्या होगा, नेटवर्क नहीं है, वीडियो वगैरह प्रॉपर चल रही है ना भाई, सबकी सबको विजिबल है प्रॉपर ना, निकालो आंसर, क्या आएगा आंसर बताओ, ओहो यार बहुत ज्यादा हिचकी है, कब जाएगी हिचकी। ओके देखो भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आपका बेहतरीन सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी आप लोग कर लोगे इजीली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, इजी वे में आपका ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ आंसर, राहुल परचेज सीपी दे रखा है कितना, 8,500, सोल्ड इट 25% लॉस, इस बार उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस परसेंट कितना दे रखा है, 25% लॉस हो रहा है, एसपी हमें फाइंड करना है, क्या हो जाएगा। देखो कॉस्ट प्राइस दे रखा है, लॉस परसेंट दे रखा है, एसपी निकालना है, तो एसपी वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा इस केस में, एसपी इज इक्वल टू सीपी इनटू 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है, सीपी 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन में क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में 100 होगा यार, अपॉन में क्या होगा, 100 होगा,
ये चीज हमने पढ़ी थी ना कि जब भी कॉस्ट प्राइस दे रखा, लॉस परसेंट दे रखा, हमारा फॉर्मूला बनेगा और हमें सेलिंग प्राइस निकालना होगा, तो एसपी इज इक्वल टू सीपी इनटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना था, सीपी मुझे दे रखा है कितना 8500, 100 माइनस लॉस परसेंट दे रखा है कितना 25, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, एसपी इज इक्वल टू 8500 मल्टीप्लाई ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई 100 माइनस 25 करा तो कितना मिला आपको 75 मिला, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल, ठीक है, आपको मिला 85 इंटू 75। ठीक है, या आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि सर यहाँ पे तो कैलकुलेशन हमारी थोड़ी हार्ड हो गई, आप थोड़ा एक और दिमाग लगा सकते हो, आप एक और दिमाग यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए, कि सर हमने ना पहले इसको रिड्यूस यहाँ पे कर दिया होगा, देखो 25 3 75, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को लर्न रहता है 25 वाला, है ना, कि 25 3 75 एंड 25 4 100, हमें मिल गया फिलहाल के लिए कितना 8500 इंटू 3/4। ठीक है, अब मैं इसको 4 से इसको मैं इजिली रिड्यूस कर सकता हूँ, ठीक है, डिवाइड कर सकता हूँ, बाकी अपने अपने हिसाब से कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप अपने हिसाब से कर लेना। 4 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, ये कितना हो जाएगा 4 2 8 4 1 4 4 1 4 वहाँ पे 10 बचा, 4 2 8 4 5 20, अब मैं इसको आसानी से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 3 5 15 का 5 कैरी 1, 3 2 6 6 1 7 7 3 1 3 3 2 6, तो 6 3 7 5 हमारा क्या रहा? आंसर आ रहा है। जो बोल रहा है नहीं सर हम यहीं पे इसको 00 से 00 कैंसिल, 85 इंटू 75 हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, वो भी आप कर सकते हो, आंसर सेम टू सेम आएगा, आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है, आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, आपको यार थोड़ी कैलकुलेशन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा अभिनव एन सिद्धार्थ, मैंने कई बार आप लोगों को बोल दिया प्लीज आप बेसिक कैलकुलेशन पे ध्यान दो, देखो इतने सारे क्वेश्चन हमने इतने सारे चैप्टर कर लिए, देखो कितनी क्लासेस कर ली, क्लास का कौन सा नंबर है देख लो, लेकिन अभी तक तुम लोग के आंसर नहीं आते, क्योंकि तुम लोग कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। एक बार के लिए तुमने अगर इस फॉर्मूले को लर्न कर भी लिया, ठीक है, तो तुम इन वैल्यू को रोकोगे तो उसको सॉल्व कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम फंस रहे हो, गलत सलत कर रहे हो। ठीक है, ऐसे करना था, बोलो भाई कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी किसी को तो बताओ। शॉर्टकट मेथड में जाना था, तो सर हमने शॉर्ट कैसे करना था, आपको आपको क्या दे रखा है, सीपी दे रखा है कितना 8500, इस बार मुझे लॉस परसेंट दे रखा है कितना 25%, एसपी निकालना था, तो इस बार हमने क्या करना था 100%, क्योंकि लॉस हो रहा है, लॉस मतलब माइनस हो रहा है, हमने 100% माइनस 25% करा तो मुझे कितना मिलेगा 75% मिलेगा, ये हमने सीपी का क्या करना था, सीपी का हमने 75% करना है, वो हमें किसके इक्वल मिलेगा, एसपी के इक्वल मिलेगा, सीपी इंटू 75 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज हटा दिया, यहाँ पे एसपी हो गया, सीपी की वैल्यू कितनी है, सीपी की वैल्यू कितनी है 8500 है इंटू 75/100 इज इक्वल टू एसपी, देख लो वही एक्सप्रेशन हमें यहाँ से मिल गया, वही वाला मिल गया। ये तब के लिए जब आप कभी फॉर्मूले में अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि यार 100 कहाँ होगा, लॉस में माइनस होगा प्लस होगा, जब भी आप फॉर्मूले कंफ्यूज हो रहे हो तो अगर आपको थोड़ी कॉमन सेंस पता है आप इजीली ऐसा भी कर सकते हो, बोलो ऐसे भी आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिंदास होकर उगर के आप क्वेश्चन को कर सकते हो, बोलो क्लियर है, तो 6 5 इजी वे में आपका यहां से आंसर आता है, किसी को यहां पर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। मैं थोड़ा पानी पीता हूँ, क्या पता हिचकी रुक जाए। बताओ हो रहा है, आ रहा है, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, मजा आ रहा है, बिल्कुल सर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आफ्टर सेलिंग अ टेबल फोर रुपीज 924 A man gain 10%. Find the CP of table. Find the
सीपी ऑफ टेबल. फाइंड द सीपी ऑफ टेबल. फाइंड द सीपी ऑफ टेबल. बताओ इस बार क्या दे दिया. आफ्टर सेलिंग अ टेबल, जब एक टेबल को सेल किया जाता है, बेचा जाता है कितने में, 924 रुपीज में उसे बेचा जाता है, तो एक आदमी को 10% का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है. क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझता है, अ मैन गेन 10%, उसको क्या हो रहा है, 10% का उसको गेन हो रहा है. ठीक है, 10% का उसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है. ओके, 10% का उसको जब गेन हो रहा है तो बोला कि कॉस्ट प्राइस निकालो. तो आपने फिर, अगर आपके पास वो फॉर्मूला आपको याद है तो फॉर्मूले पे जाओ, नहीं याद है तो कॉमन सेंस से कर सकते हो, नहीं याद है तो फिर आप किससे करोगे, कॉमन सेंस से भी आप फिर उसको कर सकते हो. और अगर याद है, अरे यार इतना याद कौन कर रहा है आज, मुझे बहुत ज्यादा इच्छा आ रही है. रुपीज 924 है सेलिंग, आफ्टर सेलिंग अ टेबल. ठीक है, सेलिंग मतलब एसपी दे रखा है, एसपी कितना दे रखा है, 924 हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है. ठीक है, अ मैन गेन, देखो गेन लिखा है, गेन हो या प्रॉफिट हो, मैंने आपको बोला है चाहे वो गेन लिखा हो चाहे वो क्या लिखा हो, प्रॉफिट लिखा हो, बात एक ही है. प्रॉफिट मतलब हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, गेन मतलब हमें मिल रहा है. तो वो कितना दे रखा है, जो हमें दे रखा है 10% हमें दे रखा है. ओके, फाइंड द सीपी, सीपी हमें निकालना है. यहाँ से सीपी का फॉर्मूला क्या बनता है, बहुत इजी फॉर्मूला, सीपी इज इक्वल टू एसपी इनटू 100, क्योंकि यहाँ देखो प्रॉफिट दे रखा है तो हम क्या करेंगे फिर, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये फॉर्मूला होता है. तो सीपी इज इक्वल टू एसपी कितना है, 924 है, इनटू में क्या है 100 है, डिवाइड में क्या है 100 है, प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 10% है. ठीक है, परसेंट लिखे, सिर्फ वैल्यू लिखनी है. 100 से 100 को कैंसिल मत कर देना क्योंकि नीचे देखो प्लस हो रहा है, पहले आपको प्लस करना है. 924 इनटू में 100, उसके पीछे आप 0 0 लगा सकते हो, मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो तो नहीं है तो पहले ही मत करो. ये हो जाएगा आपका कितना, 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा. ठीक है, अब कर सकते हो 0 से 1 0 कैंसिल क्योंकि मल्टीप्लाई में चल रहा है. ठीक है, जनरली होता क्या, क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन होंगे कि 11 से डिवाइड हो जाएगा. देखो 11 8 88 4 बचा 44, 11 4 44, और ये वाले यहाँ पे 0 आ जाएगी. ठीक है, ये वाली यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी. 8840 आपके यहाँ से क्या आएगा, आंसर आएगा. आपके भी आ गए थे आंसर, सरन्या और माधव के तो आ गए थे आंसर. अब डायरेक्ट कर, अब तो आप समझ गए होंगे भाई, है ना, सरन्या माधव तुम लोग तो समझ गए होंगे, बाकी लोग भी समझना क्या ट्राई करो कि सर अगर हमें ये फॉर्मूला नहीं भी पता है, हमने क्या करना है, हमें इस बार क्या दे रखा है, हमें इस बार क्या देखे, शॉर्ट मेथड है, एसपी कितना है, एसपी असर हमारा कितना 924, और जो हमें ऐसे प्रॉफिट परसेंट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 10% दे रखा है. बोलेगा सीपी निकालो, हमने सबसे पहले क्या करना है, प्रॉफिट हो रहा है 100% में मैं क्या कर दूंगा, प्रॉफिट परसेंट कितना है 10%, तो इसको मैं प्लस कर दूंगा, मुझे कितना मिलेगा, 110% मिलेगा. इजी है, ओके सर. फिर हमने क्या कर लेना है, हमेशा ऐसे होगा, हमने सीपी का 110% निकालना है, हमने सीपी का 110% निकालना है, वो हमेशा हमें एसपी के इक्वल मिलेगा. इस बार एसपी की वैल्यू दे रखी है, सीपी मुझे निकालना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सीपी इंटू 110 परसेंट हटा दिया, अपॉन में आपने 100 लगा दिया, इज इक्वल टू एसपी कितना है, एसपी 924 है. हमें सीपी की वैल्यू चाहिए तो सीपी के साथ कुछ भी नहीं होना, 0 से आप 0 को कैंसिल कर दो, सीपी के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए मतलब हमने उसे इक्वल के दूसरी साइड भेज देना है. ओके, तो यहाँ पे देख लो सीपी इज इक्वल टू कर लो, 11 सीपी के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 10 डिवाइड में तो इक्वल के दूसरी साइड जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा. वही एक्सप्रेशन आपको यहाँ से मिल गया, यहाँ से आपका वही आंसर आएगा. बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को, यहाँ तक कोई परेशानी है, कुछ भी इश्यू है तो बताओ, आई बात समझ. तो ऐसे होना था, सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट था, सिंपल सा आपका प्रोसेस था, दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया. ठीक है, दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया. अब आपकी ड्यूटी है इसको बार बार रिवाइज करना, इसको अपने साथ लेके चलना, नहीं लेके चलोगे तो उस पर आपका ही लॉस है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ भाई फिर. ठीक है, और कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी दिक्कत आती है तो बताओ, और सब अगर कंफर्टेबल है तो फिर आगे निकाल लूं. चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका. क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक आर्टिकल है वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 16
40. फाइंड फाइंड कॉस्ट प्राइस, इफ फाइंड कॉस्ट प्राइस इफ इट वाज सोल्ड एट, इफ इट वाज सोल्ड एट 20% लॉस, 20% लॉस। देखो बढ़िया सा सिंपल सा आपका क्वेश्चन है, और आप लोग क्वेश्चन को स्टेटमेंट को समझो, उसको आगे प्रोसीड करो। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आपका बढ़िया सा क्वेश्चन है। बताओ क्या होगा? बताओ क्या होगा? बताओ। देखो न्याय आंसर, न्याय क्या आंसर? सोल्ड, सोल्ड लिखा है, क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। एसपी कितना दे रखा है? 1640 दे रखा है, ठीक है। फाइंड सीपी इफ इट वाज सोल्ड एट 20% लॉस। बहुत तगड़ा क्वेश्चन, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। लगाओ दिमाग, ठीक है। 1640 है, ओके। और आपको लॉस परसेंट दे रखा है, लॉस परसेंट कितना दे रखा है? 20% दे रखा है, ठीक है। लॉस परसेंट कितना दे रखा है? 20% दे रखा है। आपको बोला सीपी आपको फाइंड करना, फाइंड सीपी इफ इट वाज सोल्ड एट 20% लॉस। सीपी, सीपी का फॉर्मूला क्या है? जब भी आपको लॉस परसेंट दे रखा है, जब भी आपको एसपी दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100, लॉस है तो माइनस कर लेंगे, ठीक है। लॉस परसेंट सीपी इज इक्वल टू एसपी, कितना है? एसपी आपका 1640 इंटू में क्या है? ये 100 है, डिवाइडेड बाई क्या है? ये 100 है, माई लॉस परसेंट, लॉस परसेंट कितना है? 20 है। सीपी इज इक्वल टू 1640। आंसर नहीं आया किसी का? अच्छा आ गया। सोलह ने आज लेट ज्वाइन करा भाई, लेट ज्वाइन क्यों करा आज? 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 20 करोगे आपको कितना मिलेगा? 80 मिल जाएगा। मल्टीप्लाई तो जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर दो। जनरली क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन होते हैं कि ये डिवाइड हो जाए, 8 से इसको करोगे हो जाएगा 8 2 16, ठीक है। 8 2 16, यहाँ जीरो होगा, एंड 8 5 40, 205 होगा। सही से करना उसको कैलकुलेट, ठीक है। 205 क्या हो जाएगा? 205 हो जाएगा, और इंटू में यहाँ पे क्या है? 10 है, सही है। 8 2 16, 0 8 5 40, ओके सही है। एंड इनटू में यहाँ पे क्या है? 10 है। तो सीपी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? 2050। तुम लोग का आंसर तो अलग आ रहा है यार, मैंने गलत करा क्या? गलत किसने करा? मैंने करा, आपने करा? आपने करा होगा, देख लो एक बार कैलकुलेशन देख लो। तो एक बार इसको दूसरे तरीके से भी कर लेते हैं, आप एक ही तरीके से करना जब भी क्वेश्चन में करोगे, देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। गलत तो नहीं करा मैंने? आपको क्या दे रखा है? 1640 एसपी दे रखा है आपको, कितना? 1640। सीपी मुझे यहाँ पे फाइन करना है, एंड लॉस परसेंट मुझे यहाँ पे दे रखा है कितना? 20%, ठीक है। हमने क्या करना है? इसको 100% में से, 100% में से, देखिए 100% में से 20% को क्या करना है? माइनस कर लेना है, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? 80% हो जाएगा। हमने क्या करना होता है? सीपी का अगर हम 80% निकाल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एसपी मिलेगा। सीपी हमें निकालना है 80%, इट मीन्स 80/100 इज इक्वल टू एसपी कितना हो जाएगा? एसपी कितना हो जाएगा? एसपी हमें दे रखा है कितना? 1640, ठीक है। तो सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो से जीरो को कैंसिल कर लो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1640, 8 इसके साथ मल्टीप्लाई में या डिवाइड में चला जाएगा, 10 डिवाइड में या मल्टीप्लाई में चला जाएगा। वही एक्सप्रेशन आपके सामने बन गया। 2050 तो आंसर आ रहा है ना, 2050 तो आंसर आ रहा है। अच्छा, तुम लोगों ने जिनका आंसर कम आ रहा है उन्हें क्या करा होगा?
उन्होंने उन्होंने शायद उसको डिवाइड गलत कर लिया होगा, 8 2 6 8 5 40 250 जो आंसर दे रहा था, है ना। माधव का भी एक बार 250 आंसर है इसका ना, मैं गेम बजाऊंगा अब एक दिन, ठीक है। तुम लोग ने पता क्या करा, जब तुमने 8 से आपने 1640 को आपने 8 से डिवाइड करा, आपने करा 8 2 16 एंड सीधे 8 5 40 गलत हो जाएगा। डिवाइड कैसे होगा वो देख लो, हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं किसको, 1640 को, 8 2 कितना हो गया 16, रिमाइंडर 0, यहाँ से हमने 4 लिया, क्या 8 से 4 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा 10 से और ले लूंगा, लेकिन जब मैंने कंटिन्यू दो नंबर ले, दो डिजिट ले, तो मुझे 10 यहाँ भी करना पड़ेगा, अब होगा 8 5 40, ठीक है, ऐसे होना था इसमें। तो आपका आंसर आया कितना, 2050 आंसर आया, और कोई मुझे बहुत अच्छे से याद कर रहा है ना। हिचकी रुकी नहीं रही है, चलो समझ आया, ऐसे करना था आपने इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। एक चीज मुझे, एक क्लास में बस एक क्लास आएगी इसकी, जिसमें हमने क्या करना है, थोड़े तो डिस्काउंट वाले हमने एक दो क्वेश्चन करना है, डिस्काउंट वाला जो फंडा रहता है मार्क्ड प्राइस वगैरह वो हमने करना है, बाकी फिर आपका कंप्लीट फिर आपके टेस्ट में आएंगे, फिर आपकी जब प्रैक्टिस होगी तो उसमें आपके क्वेश्चन वगैरह आएंगे। मेन कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट आपके क्वेश्चन आने हैं। अगर एक चीज मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगर आप इसी को अच्छे से नहीं कर पा रहे हो तो आप बहुत 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 मुश्किल है आपका एग्जाम निकालना, ठीक है, ये बहुत मैं आपको एक सच बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत कड़वा सच मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग से देखना सौरभ ये वाला, आप तो अभी अभी आए ना तो समझ कैसे आएगा कि हमने कैसे ये वाले क्वेश्चन करे, है ना, एक बार स्टार्टिंग से देखना इसको, ठीक है, ये वाला आज हमने इस पे अलग टाइप के क्वेश्चन करे ना, जो हमने फॉर्मूले करे थे और जो हमने डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड सीखे थे। बीच से देखोगे तो दिक्कत ही आएगी, ऑब्वियस सी बात है वो, ठीक है भाई, फिर कोई दिक्कत होगी तो बताना, ओके। चलो भाई, किसी को और दिक्कत है और परेशानी है, किसी को और कोई इश्यू है तो बताओ, और अगर सब कंफर्टेबल है, सब क्लियर है, तो फिर बहुत सही है, हम फिर आगे निकलने का ट्राई करते हैं। अगर यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक अगर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया, सारी चीजें समझ आ रही हैं, तो इसकी प्रैक्टिस वगैरह करते रहना, इसको बार बार रिवाइज करते रहना, और बढ़िया से आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर हम लोग, ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में। यू लवली गाइज, मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, ओके भाई, ठीक है, बढ़िया से करते रहो भाई, ठीक है। तुम लोग बेस्ट हो यार, जब तुम लोग बेस्ट होंगे तो ये हम बेस्ट होंगे, है ना, तुम लोग भी बेस्ट होंगे तो ये हम और बेस्ट होंगे, ठीक है। सर अच्छे से करो और बस प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे ही आपके आंसर आएंगे, और अच्छे से प्रैक्टिस करो भाई सरन्या, ठीक है, सरन्या, माधव, सिद्धार्थ, अभिनव, सब लोग प्रैक्टिस करो बढ़िया से, ठीक है, शौर्य वगैरह सारे लोग प्रैक्टिस करो। देखो जो देखो आप लोग देख रहे हो ना कि इनके आंसर कैसे तुरंत आते हैं, सरन्या के हो गया, फिर माधव वगैरह के हो गया, है ना, बीच बीच में सार्थक के भी आ जाते हैं, बाकी लोगों के आते ही नहीं है, जिन लोग इतनी प्रैक्टिस ये करते हैं कि आंसर सही भी आते हैं, आंसर है एक दो बार ऊपर नीचे हो जाता है, और मुझे आज बहुत हिचकी आ रही है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, यू लवली गाइस, मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, ओके गाइस। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे RIMC करना है, JNVCHS जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहां जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती हैं, ठीक है, लाइव क्लासेस होती हैं, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट, आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट, किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो,
कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टेक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी। मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है। और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी। आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेज स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में आप मिलते हैं, ओके।